लेकिन उतना ही दुख दे के जाता है। जितना सुख हमने लिया है जिसी भौतिक चीज में से, अनात्मा में से जितना सुख लिया है उतना सुख रीपेमेंट करना ही पड़ता है। दुख से, दुख का अनुभव करके, दुख को भुगत के वो सुख को रीपेमेंट करना है। जिन जहां से भी लो, ये नियम है। हाँ, ये दृष्टि खुलनी चाहिए कि ये रीपेमेंट हो रहा है। बच्चों में से सुख लेते हैं तो बच्चे जब हमारा कहा नहीं मानते हैं, हमारे कहने से उल्टा चलते हैं, तो कितना दुख आता है। हस्बैंड वाइफ शादी होती है तो कितने सुख, कितना सुख लगता है, बहुत सुख लगता है। शादी के दिन तो देखो दूल्हे राजा होके घूमता है, सारे दुनिया का राजा एक दिन के लिए, इतना सुख लगता है। बारात में निकलता है तो हर कोई उसको देखता है, अरे पड़ोसन वाली चंपा माँ से भी बाहर आके निकल रही है कि वाह वाह मेरा चंदू बारात में जा रहा है। अरे मौसी रोज देखती थी चंदू को, नहीं लेकिन आज तो दूल्हा राजा है, देखने की और मजा आती है, कुछ नई दृष्टि से देखते कैसा दिखता है मेरा चंदू। तो कितना मान मिलता है, राजा एक दिन का राजा, दूल्हे राजा, फिर दूसरे दिन दुल्हन राजा बन जाती है, राज बदल जाता है। फिर दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, सारा सुख चले जाता है। इतने बड़े महल बांधते थे, शादी करने के बाद ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, लेकिन रूसना मनाना शुरू हो जाता है तब सब सुख चले जाता है। हर जगह पे देखो, जहां जाओ तो दूसरी पहलू देखोगे तो उसका नतीजा दुख तो कुछ ना कुछ तरह से आता ही है। और जो अंदर का आत्मा का सुख है उसको दूसरा पहलू ही नहीं है, द्वंद्वातीत है, एब्सोल्यूट है, इसलिए उसकी अनुभूति कुछ और ही रहती है। और वो सुख कभी दुख में ट्रांसफर नहीं होता है, बाकी संसार के सुख हमेशा दुख में ही ट्रांसफर होते हैं एट द एंड। और यह आत्मा का परमानंद सुख जानने के लिए, पाने के लिए आत्मा को जानना पड़ता है। मैं आत्मा हूं तब कुछ ये पता चलेगा कि ये सुख मेरा है रियल में यार, उसके पहले ख्याल में आना मुश्किल, नामुमकिन है। तो सुख के पीछे दौड़ना है, सच्चे सुख के पीछे, बाकी तो सब अनंत काल से ये तो सुख के पीछे दौड़े ही है, आता है जाता है, आता है जाता है, टेम्पररी, और यह परमानेंट है। एक बार सच्चा सुख बिना जाता नहीं है कभी। सांसारिक चीजों में कितना भी सुख क्यों न माए, तुरंत चले जाएगा। अच्छी सी नई गाड़ी लेके आए, मर्सिडीज कार लेके आए, बहुत खुश हो गए, वाह वाह कितना सुंदर कलर है, कितनी अच्छी, कितनी कंफर्टेबल, नेविगेटर के साथ इतने खुश हो के वो गाड़ी में, सबको बताते हैं, किसी को बिठा के घुमाते हैं। चार दिन के बाद देखा तो किसी ने बड़े स्क्रैचेस कर दिए हैं नई गाड़ी में, तो कितना सफरिंग आता है, कितना भुगतना आता है। जितनी बार वो स्क्रैच देखते हैं तब उतनी बार अंदर भीतर में स्क्रैच हो जाते हैं। देखो जो सुख लिया वहाँ का वहीं रिपेमेंट करना पड़ता है किसी न किसी तरह से, ऐसे रिपेमेंट होते हैं। और एक बार ये रिपेमेंट हो रहा है ऐसा आपको ख्याल में आएगा तो आप उससे अलग रह सकोगे, ये तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि अंदर कुछ रीपेमेंट दे रहे हैं, भुगत रहे हैं।
और यह सुख तो ऐसा है कि रिपेमेंट लिए बगैर छोड़ता नहीं है, दुख में दुख भोग देता है और खुद अपना रिपेमेंट ले लेता है। पैसे आते हैं तो कितनी खुशी होती है, जाते हैं तो उतने ही दुख, उतना ही भुगतना। यह लॉ है, नेचुरल लॉ है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकेंगे। हाँ, इससे मुक्त हो सकते हैं ध्यान से, ये सुख मेरा नहीं है। आप अगर उसमें उस सुख का रस न ले, उस सुख को आप अनुभव में न ले, उसको अलग ही रखे, ये सुख किसका है, क्या है, कैसा है, वो आपके अवेयरनेस में फुल रहे, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसका रिपेमेंट भी देना नहीं पड़ता है। ऐसा नियम है, आता है बहुत अच्छा, ओके, जाता है तो भी ओके, दोनों में समता रह सकेगी। और जितने समता में रहे उतने हम कर्मों से मुक्त रह सकते हैं।